छात्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। आज आप लोग यह जानेंगे, हम भगवान महादेव जी का अभिषेक किस दिन करें, कौन सा दिन भगवान महादेव जी के लिए अभिषेक के लिए शुभ होगा, या यूं कहें महादेव जी के लिए अभिषेक का मुहूर्त कैसे देखें, शुभ मुहूर्त कौन सा होगा भगवान महादेव जी के अभिषेक के लिए, आज इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। साथ ही भगवान महादेव जी के मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान जाप किस मुहूर्त से आरंभ करें, कौन सी शुभ तिथि से आरंभ करें। तो जिस दिन शिववास होता है पृथ्वी में, उसी दिन से भगवान महादेव जी के महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान को आरंभ करना चाहिए, या यूं कहें उसी दिन जिस दिन शिववास हो उसी दिन भगवान महादेव जी का रुद्राभिषेक महाभिषेक इत्यादि करना चाहिए। तो कैसे जाने कि भगवान महादेव जी का वास कहाँ है, किस प्रकार से जानेंगे। तो एक छोटा सा श्लोक है, आप लोग याद कर लीजिए, आपके बहुत काम का है। इस श्लोक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भगवान महादेव जी का वास किस दिन किस तिथि को कहाँ पर होता है, और भगवान महादेव जी किस स्थान पर वास करने से क्या फल देते हैं। चलिए श्लोक जानते हैं। करना क्या है आपको, श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तिथिं च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वित मुनिभिस्तु हरेद् भागम शेषम कैलासवासनम। श्लोक का अर्थ है इसका, तिथिं च द्विगुणी कृत्वा, जिस तिथि को आपको भगवान महादेव जी का रुद्राभिषेक करना हो, या जिस तिथि से आपको रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय अनुष्ठान आरंभ करना हो, तो उस तिथि को दुगना कीजिए। जैसे नवमी तिथि है तो नवमी का दुगना कर दीजिए, 9 × 18। तिथिं च द्विगुणी कृत्वा, तिथि को दुगना करिए। जिस दिन आपको रुद्राभिषेक करना हो, जिस दिन से महामृत्युंजय अनुष्ठान आरंभ करना हो, अर्थात जिस दिन आपको कार्यक्रम करना हो, उस तिथि को दुगना कीजिए। जस्ट तिथिं च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वित, उस तिथि में जो दुगना करके जो प्राप्त हो हमको, जैसे मैंने नवमी तिथि ली, नवमी को दुगना कर देंगे तो 9 × 18। पुनः पंच समन्वित, पुनः जो हमको जोड़ने पर प्राप्त हुआ योग, अर्थात 18 प्राप्त हुआ, तो उस 18 में 5 और जोड़ दें, 18 × 5 = 23। पुनः पंच समन्वित मुनिभिश्च हरेत भागम, मुनिभिश्च का अर्थ है कि 7 का भाग देना। मुनि का अर्थ जो सप्तर्षि हैं, ऋषि 7 थे सप्तर्षि, इसीलिए कहा कि मुनिभिश्च हरेत भागम, अर्थात 7 का भाग दे दीजिए। शेषम कैलास वासनम, जब हम 23 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 21, 3 बार गया और 21, तो 2 शेष बचे, तो 2 जो शेष बचता है उसी के अनुसार हमको यह ज्ञात होता है कि शिववास कहाँ है। तो जानते हैं अब 2 शेष बचा तो फलस्तुति जानते हैं कि 2 अगर है तो कहाँ पर भगवान महादेव जी का वास है। फिर आगे श्लोक सुनिए। एकेन वसति कैलासे द्वितीये गौरी सन्निधौ, अगर एक शेष प्राप्त हो हमको, एकेन वसति कैलासे, एक शेष हो तो भगवान महादेव जी कैलाश में हैं, अर्थात जिस दिन भगवान महादेव जी कैलाश में हों उस दिन से भी रुद्राभिषेक करना चाहिए, या उस दिन से ही महामृत्युंजय का अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। एकेन वसति कैलासे द्वितीये गौरी सन्निधौ, अगर 2 शेष प्राप्त हुआ हमको तो 2 शेष प्राप्त हुआ यहाँ पर, द्वितीये गौरी सन्निधौ, अर्थात 2 शेष प्राप्त हो तो उस दिन भगवान महादेव जी माता गौरी जी के साथ हैं, द्वितीये गौरी सन्निधौ। अगर 3 शेष प्राप्त हो, तृतीये वृषभारूढ़, 3 प्राप्त हो तो भगवान महादेव जी वृषभारूढ़, अर्थात उस दिन वृष अर्थात बैल पर आरूढ़ है और यात्रा कर रहे हैं, तृतीये वृषभारूढ़। सभायां च चतुर्थके, जिस दिन भगवान महादेव जी वृष पर आरूढ़ हो उस दिन भी रुद्राभिषेक महामृत्युंजय अनुष्ठान इत्यादि आरंभ कर देना चाहिए। फिर आया सभायां च चतुर्थके, अगर 4 प्राप्त हो जाए
उस दिन भगवान महादेव जी सभायां च चतुर्थ के अगर चार प्राप्त हो रहा है तो उस दिन भगवान महादेव जी सभा में रहेंगे, और सभायां संताप कारक, जिस दिन भगवान महादेव जी सभा में रहते हैं उस दिन संताप कारक होते हैं, उस दिन न रुद्राभिषेक करना चाहिए ना ही महामृत्युंजय का अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। सभायां च चतुर्थ के पंचमे भोजने चैव क्रीडायां च रसात्मके, अगर पांच प्राप्त हो रहा है पंचमे भोजने चैव, पांच प्राप्त हो रहा है तो भगवान महादेव जी भोजन में है, उस दिन भी रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का अनुष्ठान आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर छह प्राप्त हो रहा है तो क्रीड़ायाम, उस दिन भी भगवान महादेव जी का अभिषेक या कोई पूजन नहीं करना चाहिए, आरंभ नहीं करना चाहिए। पहले से आरंभ कर दिया है तो कोई दोष नहीं है, अगर उस दिन से आरंभ नहीं करना चाहिए। बस स्मशाने सप्तमे चैव शिववास उदीरितः, अगर सात प्राप्त हो तो भगवान महादेव जी उस दिन शमशान में है, अर्थात उस दिन भी नहीं करना चाहिए। एकेन वसति कैलासे द्वितीये गौरी सन्निधौ तृतीये वृषभारूढ, अगर तीन तक संख्या प्राप्त हो तो कर लेना चाहिए, एक दो तीन, अगर यह तीन संख्याएं प्राप्त हो महादेव जी का अभिषेक अवश्य कर लेना चाहिए। यह शिववास देखने की विधि, जिस दिन शिववास होता है उसी दिन से भगवान महादेव जी का कोई पूजन आरंभ करना चाहिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान इत्यादि आरंभ करना चाहिए, इसका दोष नहीं लगता। स्क्रीन में साइड में आपको एक चार्ट दिख रहा है जहां पर शिववास के बारे में बताया गया है। यह चार्ट जो बना है यह शिववास को आपको समझाने के लिए है। यह फोटो है एक जो पंचांग से ली गई है, गणेशापा पंचांग से। इसमें आपको शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, साथ में शिववासम, आगे फलम, यह समझाया गया है। तो जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि होती है उस दिन भगवान महादेव जी शमशान में होते हैं, और शमशान में जो फल प्राप्त होता है जिस दिन अभिषेक या महामृत्युंजय आरंभ करने से, वह मृत्यु अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु प्राप्त होती है। इसके पश्चात शुक्ल पक्ष की द्वितीया कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को भगवान महादेव जी माता गौरी जी के साथ रहते हैं, गौरी सन्निधौ लिखा शिववासम में, और फल होता है शुभम अर्थात अच्छा फल प्राप्त होता है। फिर आगे कृष्ण पक्ष की तृतीया और शुक्ल पक्ष की तृतीया और कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान महादेव जी सभायाम रहते हैं, सभायाम में भगवान महादेव देव जी जो फल देंगे वह ताप कारकम अर्थात संताप ताप इत्यादि प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आप पूरे चार्ट को देख करके समझ सकते हैं क्रमशः कि क्या फल प्राप्त होगा। मैंने आपको पहले श्लोक के माध्यम से समझा दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।